नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आपको स्क्रीन पे सिर्फ दो चीज़ें दिख रही होंगी, है ना? एक दिख रहा होगा स्लिप और दूसरा दिख रहा होगा स्किड, है ना? इस पर आज अपन चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, तब ये समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है ना, स्लिप और स्किड। तो ये कहाँ से उठाया गया टॉपिक है? ये टॉपिक उठाया गया है सिविल इंजीनियरिंग से, है ना? सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है स्लिप और स्किड। हाईवे का टॉपिक है, ठीक है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले स्लिप। जब अपन रोड बनाते हैं, रोड का सरफेस अपन खुरदुरा क्यों रखते हैं, ठीक है, इन दोनों में अपन डिफरेंस समझेंगे। स्किड क्या कहलाता है और स्लिप क्या कहलाता है। रोड का सरफेस अपन जब रोड बनाते हैं, आरसीसी की भी रोड बनाते हैं मान लीजिए, तो उसमें अपन क्या करते हैं, झाड़ू से या किसी अनादर चीज से अपन क्या करते हैं, सरफेस को कुछ ऐसे खुरदुरा बना देते हैं। क्यों? ताकि जब अपनी जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो अपन एक पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने ब्रेक लगाया, अपनी गाड़ी रुक जाए। स्लिप में क्या होता है, अपन ने इस पॉइंट पे ब्रेक लगाया, है ना, और अपना सरफेस खुरदरा नहीं है, मतलब चिकनी सतह है, तो गाड़ी यहां ना रुक के स्लिप करते हुए यहां जाके रुकती है। यही तो स्लिप है। मतलब मान लीजिए ये अपना टायर है, काहे का, बाइक का बैक साइड वाला, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट हमने लिया ए, समझिएगा बात को, स्लिप बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया ए, है ना। अब मान लीजिए कि मैंने इस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ध्यान से समझिएगा। जब स्लिप होगा, मान लीजिए अपनी सतह क्या है, बिल्कुल ही चिकनी सतह है, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने ब्रेक अप्लाई किया, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये टायर आया अपना कहां, यहां, इस पॉइंट पे हमने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, और ये पॉइंट जो ए है, जिस पॉइंट पे हमने ब्रेक अप्लाई किया था, जहां ए था टायर का, जो ए वाला पार्ट था, ठीक है, वो ए पॉइंट मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं समझ रहा हूं समथिंग 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर के अंतर में ब्रेक मैंने अप्लाई किया था कहां पे, पॉइंट वन पर, ये रहा अपना पॉइंट वन और ये रहा अपना पॉइंट टू। पॉइंट वन पर मैंने ब्रेक अप्लाई किया था, पॉइंट बी पे अपना टायर आया है, लेकिन ये जो ए वाला पार्ट है, मान लीजिए कि मैंने चक्के पे यहां पे ए पॉइंट दर्शाया था और ये वाला पॉइंट इधर ना जा करके, चूंकि अपना ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टायर घूमेगा, ठीक है, तो ये इधर ना जा करके उसी पॉइंट पे जहां अपनी गाड़ी रुकी, वो पॉइंट हमें अभी वहीं शो हो रहा है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस तय की गई है वो रोटेट होके नहीं तय की गई है, सरफेस चिकना होने के कारण यहां पे मैंने ब्रेक अप्लाई किया था, ये यहां से यहां तक स्लिप होके आया, समझ में। यदि ये पॉइंट यहां पे आ जाता या पूरा एक सर्कल घूम जाता, ठीक है, तो वो चीजें स्लिप नहीं हुई थी, ठीक। तो स्लिप का मतलब क्या क्या है, स्लिप इन द सेंस
सरफेस अपना चिकना है, गाड़ी का जब हम ब्रेक लगाएंगे तो टायर घूमेगा नहीं, ठीक है, टायर अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और पूरी की पूरी गाड़ी मूव होके दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगी, उसको स्लिप कहते हैं। जो बैक साइड वाला, ये बैक साइड वाला टायर है बाइक के, मैं पिछले पहिए की बात कर रहा हूं कि पिछला पहिया रोटेट नहीं होगा, पूरी की पूरी गाड़ी मूव होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके रुकती है विदाउट टायर रोटेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लिप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा जहां तक। अब आती है स्किडिंग की बात, ये स्किड क्या कहलाता है, इसको भी इसी आसान भाषा में अपन समझते हैं। हमने लिया क्या, एक टायर ले लिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए ये अपनी रोड है गांव की कच्ची, ठीक है, गांव की कच्ची रोड है, समझ लीजिए पूरी कच्ची रोड है, ठीक है। इसमें अपन को गाड़ी चलाना है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, बीच बीच में गड्ढे हैं, गाड़ी क्या होगी, टायर क्या होगा, एक ही जगह पे रोटेट होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, एक ही जगह पे रोटेट होगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्किडिंग, समझिएगा इस चीज को, स्किड क्या कहलाता है, स्लिप मतलब टायर रुका हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है, वो कैसे बढ़ रही है, स्लिप होके, ठीक है। अब अपन स्किडिंग पे आते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने दिया है ए, समझ में आई बात, इस पॉइंट पे हमने दिया ये रोड में गड्ढा है, ये रोड है ना, रोड में क्या है, गड्ढा है, ये रोड है, इस पॉइंट पे हमने दिया ए, यहां सरफेस अपना पूरा का पूरा गड्ढा है, गीला है, जो भी है भगवान जाने जैसा भी सरफेस है, ठीक। जब अपन ने गेयर लगाया और गेयर लगाने के बाद एक्सीलेटर अप्लाई किया तो टायर क्या होता है, ये हमने पॉइंट ए लिया था, बिना गाड़ी आगे बढ़े ये पॉइंट अपना समझ लीजिए यहां पहुंच गया, ठीक है, मतलब गाड़ी मूव नहीं हो रही है, गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो टायर है, टायर रोटेट हो रहा है, समझ में आई बात, टायर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। जब गाड़ी खड़ी थी तो उसका ए पॉइंट कहां पे था, यहां पे था, जब हमने गियर लगाया और एक्सीलेटर अप्लाई किया तो ये पॉइंट अपना क्या हुआ, यहां पे आ गया, लेकिन आप देख लो कि डायरेक्शन में गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, मतलब इसका जो पिछला पहिया है वो अपना स्थान चेंज नहीं किया हुआ है, एक ही जगह पे घूम रहा है ना, तो एक ही जगह पे जो घूमने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, स्किडिंग कहलाती है, ठीक है। स्लिप को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि गाड़ी स्लिप ना हो, तो जो रोड का फतह है उसको हम चिकना नहीं बनाते हैं, यदि अपन चिकना बनाएंगे तो ब्रेक अपन अप्लाई करेंगे 2 मीटर पहले और गाड़ी जाके रुकेगी 2 मीटर बाद, ठीक। और यदि स्किडिंग को रोकने के लिए सरफेस अपना स्मूथ होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, गड्ढे में जो है कीचड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्किडिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक। या कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह पे आप थोड़ा तेजी से एक्सीलेटर लेते हैं तो होता क्या है कि गाड़ी का पहिया तुरंत कुछ पार्ट उसका घूम जाता है, इसके बाद गाड़ी अपना फ्लो पकड़ती है, मतलब उसका जो है 2-4 सेकंड का पार्ट ऐसा रहेगा कि एक ही जगह पे टायर क्या होता है, घूम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को स्किडिंग बोलते हैं, ठीक। उसके लिए अपन को जो है स्लिपिंग रोकने के लिए सरफेस को अपन क्या करते हैं, तो सरफेस को अपन खुरदरा बनाते हैं ताकि जो टायर और रोड का कांटेक्ट है वो चिकने सरफेस की तरह उपयोगी ना होने लगे, है ना। और स्किडिंग का उपयोग क्या होता है कि सेम कंडीशन ही होती है कि गड्ढा ना हो, कीचड़ ना हो, नहीं तो वो टायर क्या होगा, एक ही जगह पे घूमेगा, स्किड करेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, थैंक्स।